चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कमेंट भी किया था कि सर मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी होती है और जो रैंक वाइज सैलरी होती है उस रैंक वाइज सैलरी के बारे में मुझे बताइए। तो देखिए मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि रैंक वाइज मर्चेंट नेवी में क्या होता है। डेक और इंजन दोनों साइड का वही होता है। मैं डेक और इंजन दोनों साइड का प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि मर्चेंट नेवी में डेक और इंजन साइड का प्रॉपर्टी में क्या सैलरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डेक साइड में चल रहा हो तो डेक साइड में ट्रेनिंग ओएस होता है। अगर तुम RPSL कंपनी में जाओ या ITF कंपनी में जाओ दोनों डिफरेंस होता है। तो मैं तुमको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों करके बताता हूँ। जो एवरेज होता है कि अगर तुम ITF में भी जाओगे तो उतना ही होगा, RPSL में भी जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा। RPSL को ITF से थोड़ा, जो ITF होती है उसको RPSL से थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो मैं तुमको एक एवरेज सैलरी बता देता हूँ। तो सबसे पहले डेक डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग OS होता है और ट्रेनिंग OS की सैलरी जो होती है वो मैक्सिमम तुमकी 18,000 और 20,000 होती है। लेकिन वहाँ पर डॉलर में मिलता है, लेकिन मैं तुमको इंडियन रुपीस में बताता हूँ कि 18,000 से 20,000 मिल जाता है। और ट्रेनिंग OS के बाद तुम प्रमोट होकर ट्रेनिंग ट्रेनिंग OS होता है डेक साइड में और ट्रेनिंग वाइपर होता है इंजन साइड में। दोनों की सैलरी बराबर होती है। उसके बाद तुम चल जाओ डेक साइड में तो वहाँ पर OS होता है और इंजन साइड में होता है ट्रेनी वाइपर से प्रमोट होकर वाइपर बनते हो तो उसकी सैलरी ऑलमोस्ट 25,000 से 30,000 हो जाती है। और उसके बाद फिर तुम प्रमोट होकर AB बनते हो और इंजन साइड में तुम प्रमोट होकर ऑयलर बनते हो तो AB और ऑयलर की सैलरी अगर तुम्हारा 3-4 एक्सपीरियंस हो गया तो तुम्हारी लाख छू जाती है। तुम्हारी 1,20,000 1,10,000 रुपया तुम्हारा छू जाता है। उसके बाद बोसन का भी उसी लपेट में होता है 1,30,000 1,20,000 इसी तरह ही होता है। उसके बाद तुम जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो क्लास 4 का और डेक साइड में सेकंड मेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो तुम प्रमोट होकर उधर थर्ड ऑफिसर बन जाते हो और इंजन साइड में फोर्थ इंजीनियर बन जाते हो तो तुम्हारी सैलरी 2,00,000 से 2,50,000 के बीच में हो जाती है। और फिर तुम प्रमोट होकर सेकेंड ऑफिसर बनते हो और इंजन साइड में थर्ड इंजीनियर बनते हो तो तुम्हारी सैलरी 3,00,000 से 3,50,000 पहुँच जाती है। फिर जैसे ही तुम एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो उधर तुम बन जाते हो सेकंड इंजीनियर और इधर तुम बन जाते हो चीफ ऑफिसर। तो सेकंड इंजीनियर और चीफ ऑफिसर की सैलरी समान होती है, बराबर होती है और उसकी सैलरी ऑलमोस्ट 5 से 7 लाख होती है। और जैसे ही तुम मेस्ट क्लास का और उधर डेक साइड में मास्टर का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो तुम्हारी सैलरी कैप्टन की और चीफ इंजीनियर की थोड़ी सी फ़र्क होती है, लेकिन वो भी फ़र्क नहीं माना जाएगा, एकदम माइनरी होता है। जैसे 1,50,000 का फ़र्क होता है तो ऑलमोस्ट जो कैप्टन होता है वो हाईएस्ट रेट होता है और कैप्टन को जो सैलरी होती है समझ लो कि ऑलमोस्ट कैप्टन की सैलरी तुमको 10 से 12 लाख रुपया पर मंथ हो जाती है और चीफ इंजीनियर की वही 10 से 11 लाख पर मंथ होती है। तो यही सैलरी से रिलेटेड है। और एक कैंटीन डिपार्टमेंट होता है तो गैलरी डिपार्टमेंट पे एक जनरल स्टूवर्ड होता है और एक चीफ कुक होता है, बस दो ही लोग पर्सन होते हैं। और उनकी सैलरी समझो कि अगर तुम जनरल स्टूवर्ड हो तो तुम्हारी सैलरी ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो 60,000 जाएगी और चीफ कुक की सैलरी 1,00,000 तक जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। लेकिन इधर तुम प्रमोट होकर जाओगे तो तुम्हारा चांस अच्छा है। अगर मास्टर बनोगे तो तुम्हारी सैलरी 10 से 12 लाख पर मंथ हो जाती है और चीफ इंजीनियर की भी सैलरी ऑलमोस्ट वही 10 से 12 लाख पर मंथ होती है। तो यही मर्चेंट नेवी से रिलेटेड एक छोटी सी सैलरी थी। अगर तुमको और भी इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है मर्चेंट नेवी से तो मेरे कमेंट में जाओ, वहाँ पर कमेंट करो और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ना भूलो। थैंक यू।